बीजेपी के रुकन असेंबली किशन रेड्डी ने जुमे के दिन तेलंगाना असेंबली में तसर्रुफ बिल पर मुबहस के दौरान एक तेलुगु अखबार की खबर का हवाला देते हुए हुकूमत से दरियाफ्त किया कि हुकूमत कौन चला रहा है, क्योंकि बाज लोग सरेआम ये कह रहे हैं कि हुकूमत की कार का स्टेयरिंग उनके हाथ में है। किशन रेड्डी के इस रिमार्क पर मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने शदीद एतराज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रुकन नाम लिए बगैर बैरिस्टर ओवैसी का तस्करा कर रहे हैं, क्योंकि सदर मजलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि वो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं। मजलिस के रुकन ने मुतालबा किया कि झूठे तेलुगु अखबार की खबर का हवाला देते हुए उस अखबार के तर्जुमान ने असेंबली में जो रिमार्क किया है उसको असेंबली के रिकॉर्ड से हजफ किया जाए। अहमद बलाला ने बीजेपी पर शदीद तनकीद भी की। तेलंगाना उद्यम प्रभुत्व इंको पार्टी की संबंधी व्यक्ति प्रभुत् स्टीरिंग ना चेत अभी निजमन अध्यक्ष एंकंत प्रभुत्म कल इप्डवर यह प्रभुत्व स्टीरिंग ना चेत आये प्रकटिस्ते मरी इध प्रकटा अवसर अध्यक्ष अध्यक्ष तेलंगाना राष्ट्रा व्यतिरेक वाल चत की स्टीरिंग इव न्यायमा नीन द्वारा प्रश्न अध्यक्ष अदे विधा अध्यक्ष अदे विधा अध्यक्ष विषय टीआरएस को संबंध लेने वेरे पार्टी उन्नवे वाल बलवंत नयान बयान टीआरएस चर्चुकने सांप्रदाय अध्यक्ष स्पीकर मैडम अभी अभी जो एक एमएलए ने इल्जाम लगाया है और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि हमने नाम नहीं लिया। हाँ मैं जानता हूं आपने नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली आप मेरे सदर के ऊपर बोले। हाँ पहले मीडिया ने मेरे सदर ससदुद्दीन अवैसी से पूछा था कि आप क्या टीआरएस की गाड़ी चला रहे हैं, तो उन्होंने वाजे तौर पर कहा था मैं मेरी गाड़ी खुद चलाता हूं, मैं मेरा ब्रेक मेरा एक्सीलेटर मेरे पास रहता है, मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में रहता है। हमें फखर है ये वो सदर है, ये वैसा एमपी है जिसको कोई सिक्योरिटी नहीं, अकेला निहत्ता खुद अपनी गाड़ी चला ले फिरता है बगैर किसी ड्राइवर के। आज वो अखबार लिखने वाला झूठा और उसके तर्जुमान यहां पर बैठकर झूठे बातें कर रहे हैं, ये इल्जाम है। और ये वो लोग हैं दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं, मक्का मस्जिद जैसे ब्लास्ट के लोगों के केस लड़ते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इनडायरेक्टली जो इल्जाम लगा रहे हैं उसको हलफ किया जाए। ये प्लीज कंक्लूड, निजाम सरकार के जो खिदमा के उसको फरामोश करने वाले वो लोग हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैठकर बेबुनियाद इल्जाम है, एक झूठा अखबार छापता है और यहाँ पर आकर झूठ बोलते हैं। हमको हमारी पूरी जमात को फखर है कि मेरा सदर अकेला गाड़ी चलाता है, कोई सी हिम्मत है तो ऐसा फिर के बताएं।